नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट स्पिरिचुअल। मैं हूं आपके साथ प्रीति। गरुड़ पुराण में यमलोक के बारे में बताया यह है कि यह 100,000 योजन क्षेत्र में फैला हुआ है और इसके 4 मुख्य द्वार हैं। पापियों के लिए यमलोक का रास्ता काफी कष्टकारी बताया गया है। इस रास्ते में वैतरणी नदी का भी उल्लेख मिलता है। इस नदी का दृश्य भी इतना भयानक है कि सुनकर आप अंदर से कांप जाएंगे। गरुड़ पुराण के मुताबिक जिस तरह धरती पर नदी में पानी बहता है, उसी तरह इस नदी में खून और मवाद बहता है। नदी के तट पर हड्डियों के ढेर लगे रहते हैं। पापी व्यक्ति को इस नदी को पार करके निकलना होता है। जिस व्यक्ति के परिजनों ने गाय दान की है, वो आत्मा तो नदी को आसानी से पार कर लेती है, लेकिन बाकी पापी लोग नदी पार करते समय बार बार डूबते रहते हैं और यमदूत उन्हें बाहर निकाल के बार बार आगे की ओर ढकेलते हैं। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जब यमदूत पापियों को लेकर इस नदी के पास पहुँचते हैं तो नदी बहुत जोर से गर्जना करती है और इसमें बाहर रक्त खौलने लगता है। नदी में मगरमच्छ, मछली और वज्र जैसी चोच वाले गिद्ध रहते हैं। ये दृश्य देखकर ही आत्मा डर से कांपने लगती है। इस नदी को पार करने के लिए एक मात्र नाव है। इस नाव को एक प्रेत चलाता है। वो आत्माओं से पूछता है कि तुम्हारे पास ऐसा कौन सा पुण्य है जिसके कारण तुम्हें इस नाव में बैठाला जाए। जिन लोगों के परिजन गाय का दान करते हैं, उन्हें वो प्रेत अपनी नाव में बैठा कर इस भयानक नदी को पार करा देता है। जिनके पास दान का पुण्य नहीं होता, उनकी नाक में कांटा फंसा कर यमदूत नदी के ऊपर से खींचते हुए ले जाते हैं। इसलिए शास्त्रों में गोदान करने की बात कही जाती है। यमपुरी पहुंचने के बाद आत्मा को पुष्पोदका नदी मिलती है। इस नदी का पानी काफी स्वच्छ है और इसके किनारे बहुत बड़ा वृक्ष लगा है। आत्मा इस नदी के किनारे पेड़ की छाया में बैठ कर कुछ देर के लिए आराम करती है। परिजनों द्वारा किया गया पिंड दान और तर्पण उसे यहीं पर भोजन रूप में प्राप्त होता है। इससे उस आत्मा को शक्ति मिलती है।